नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं आजकल नवविवाहितों में बच्चा गिर जाता है। मैंने देखा नई नई शादी होती है, एक दो बार औरत प्रेग्नेंट होती है, पता चला गिर गया, एबॉर्ट हो गया, अपने से गिर गया, गर्भपात हो गया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उससे औरत में भी कमजोरी आ जाती है और बच्चे का नुकसान जो होता है तो होता ही है। तो यदि बच्चा टिका है और आप चाहते हैं बच्चा गिरे ना, तो इसके लिए आपको एक दवा बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी की सूचना मिले आप इस दवा को शुरू कर दें और बच्चा आपको गिरेगा नहीं। 9 महीने तक लगातार इसको अपने पास इमरजेंसी के लिए रखें और शुरू में 20-25 दिन पिला दें, बच्चा गिरेगा नहीं। इस दवा का नाम है वाइबर्नम प्रूनिफोलियम। तो वाइबर्नम प्रूनिफोलियम अगर आपकी औरत प्रेग्नेंट है तो आपको इसे 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में डाल के देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा एकदम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है और अच्छे तरीके से बच्चेदानी में पैक रहता है, उसके गिरने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। और बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है, इसके लेते रहने से गर्भपात नहीं हो सकता। तो मैं यही आपको जानकारी में डाल देना चाह रहा हूँ कि यदि गर्भपात की टेंडेंसी है, पीछे एक दो बार ऐसा हो भी चुका है, या आपको वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, तो आपको ये दवा देने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं। तो कायदे से ये मजबूती से उसको पैक कर देगा और अच्छे से डेवलपमेंट होगी। तो पहला बच्चा है तो भी आपको ये दवा देने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नवविवाहितों की जैसे ही प्रेगनेंसी की सूचना मिले वैसे ही ये दवा ला करके गिरी हालत में सुबह शाम नहीं तो दिन में 3 बार 10-12 दिन तो लगातार दे ही दे। और प्रेगनेंसी के दौरान जब कभी भी आपको शिकायत लगे कि ऐसा हो सकता है या लीकेज है या डर गई है या किसी भारी वजन के कारण गिर पड़ गई है, आपको लग रहा है कि गिरने वाला है और ब्लड वगैरह आ गया, फिर भी आप इस दवा को दे देंगे तब भी रुक जाएगा। इसलिए ये दवा पूरा 9 महीने तक साथ में रहनी चाहिए और गर्भपात रोकने के लिए मस्त दवा है, एक नंबर की दवा है, ज़रूर काम करती है। ध्यान में रखें और फ्यूचर में इसका लाभ लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।